नमस्ते गाइस, मैं हूँ शर्मिष्ठा। हम आज बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ऑयली स्किन में ओपन पोर्स होता है अगर हम हमारे मेकअप को रिमूव नहीं करते, उससे ओपन पोर्स होता है हेरिडिटरी पॉल्यूशन की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एज, जितना हमारा एज बढ़ने लगता है उतना ही हमारे स्किन का इलास्टिसिटी डिक्रीज होता है। इलास्टिसिटी अगर डिक्रीज होता है तो हमारा स्किन लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मेकअप अप्लाई करने के बाद तो और भी ज्यादा विजिबल हो जाता है ओपन पोर्स। तो हमारे एज को तो हम बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं ना, पर ओपन पोर्स को जरूर कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज कर सकते हैं। एक स्किन केयर रिजीम हमें फॉलो करनी है। इन सारी चीजों को अगर हमें कंट्रोल में करना है, नेचुरल रेमेडीज और कुछ एक ऑयल या क्रीम हमें यूज करना होगा ताकि हमारा ओपन पोर्स रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर पोर्स नहीं रहेंगे तो हमारी स्किन जो है टाइट दिखेगी और उससे हमारा स्किन यूथफुल एंड ग्लोइंग भी लगेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करो। आपके साथ तीन रेमेडी शेयर करूंगी ओपन पोर्स के लिए। फर्स्ट रेमेडी एक पैक है, बेंटोनेट क्ले लीजिए या फिर मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो। इसमें डालिए नींबू का रस 5 से 7 ड्रॉप और लास्ट में हम डालेंगे शहद यानी हनी। ये तीनों का मिश्रण ना हमारे पोर्स को टाइट बनाता है, स्किन को यूथफुल लुक देता है, एक साफ ले आता है, जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा यंग लगते हैं और स्किन में जो भी पिगमेंटेशन भी होती है ना वो भी हटा देता है। एंड टू गुड पैक है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करो। अगर ओपन पोर्स नहीं भी है तब भी इस पैक को अप्लाई करना तो बनता है। इस पैक को अप्लाई करके 10 मिनट्स तक रखो, हर दिन अप्लाई कर सकते हो अगर ओपन पोर्स है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, वरना जब भी ओपन पोर्स दिखे तब अप्लाई करो और 10 मिनट बाद पैक को धो लो। पैक को रिमूव करने के बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है आइस क्यूब मसाज की। तो मैंने एक बोल में आइस क्यूब ले लिया है, तो इसको अभी हम टिश्यू पेपर या कपड़े में, हैंकरचिप में, किसी भी चीज़ में आप रखो और उसके बाद फुल फेस में आइस क्यूब मसाज करो। अगर आपके फेस में ओपन पोर्स है और मेकअप करना है, किसी पार्टी में जाना है, तब ना मेकअप से पहले आइस क्यूब मसाज ज़रूर करो। और अगर आपके पोर्स बहुत ही ज़्यादा ओपन है तब ये आइस क्यूब मसाज टेक्निक को हर दिन अपने फेस में करो। क्रीम, मेकअप कुछ भी अप्लाई करने से पहले, और आप देखोगे आपका स्किन टाइट हो रहा है। आइस क्यूब हमारे स्किन को टाइटनेस देता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज और श्रिंक करने में हेल्प करता है, ऐसा जैसा आप देख ही सकते हो यहाँ पे। पैक और आइस क्यूब के बाद अप्लाई करना है कोई मॉइस्चराइजर, उसकी जगह हम अप्लाई करेंगे ये वाला ऑयल। ये है नेचुरल श्योर का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। ये 100% नेचुरल एंड सेफ एंड इफेक्टिव मोरिंगा एक्सट्रैक्ट्स वाला कोल्ड प्रेस ऑयल है, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मोरिंगा ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट ये वाला उतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसको आप ज़रूर खरीदो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही अच्छा ऑयल है, टेक्स्चर थोड़ा सा हीवी है, पर हम जब अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा भी हेवीनेस या स्टिकीनेस नहीं रहता है, जैसा आप देख ही सकते हो। और इसको अप्लाई करके आपको थोड़ा सा मसाज करना है 30 से 40 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो। अगर बाहर जा रहे हो दिन के टाइम तो सनस्क्रीन अप्लाई करके बाहर जा सकते हो इस ऑयल के ऊपर। डायरेक्टली ऑयल को अप्लाई करके बाहर मत जाना धूप में, वरना स्किन में सन डैमेज हो सकता है, सो इस बात का ध्यान रखना। इस ऑयल को ज़रूर ट्राई करो, पोर्स एंड मार्क्स के ऊपर ना जादू की तरह काम करता है ये ऑयल ना। ये एक कमाल की चीज, क्योंकि इसी एक ऑयल की वजह से आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं, आपके डार्क स्पॉट रिमूव होते हैं और आपके स्ट्रेच मार्क्स भी रिड्यूस होती है। इन तीन रेमेडीज के साथ कुछ और चीज़ें भी आपको फॉलो करनी होगी, जैसे कि मेकअप को रिमूव करना है, फेस को मॉइस्चराइज करना है। आपका स्किन टाइप चाहे ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, कुछ भी क्यों ना हो, स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश और फेस क्रीम सेलेक्ट करो, उसे अप्लाई करो। फेस क्रीम अगर अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करो, ये हर स्किन टाइप पे सूट करता है, ये सेंसिटिव स्किन पे भी ये सूट करता है। आपने लाइफ देखा कि इसने कितना अच्छा रिजल्ट दिखाया है। थर्ड है ऑयली फूड को अवॉइड करो, जितना हो सके जंक फूड और ऑयली फूड को कंट्रोल में खाओ। एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा बहुत, 10 मिनट के लिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर करना मत भूलिए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पुराने हो तब भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के पास जो छोटा बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा।